ओम शांति। आदरणीय कुलदीप दीदी जी, बाबा की राइट हैंड्स, सभी टीचर्स बहनें, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की भट्टी के निमित्त सोमलता बहन जी और शांति सरोवर के हमारे सभी होली हैंड्स, साथ ही अन्य स्थानों से जुड़े हुए बाबा के दिव्य रत्न, अनमोल रत्न, आप सभी भाई बहनों का दिल से, हृदय से अभिनंदन है। मधुबन की ओर से, प्राणेश्वर बाप दादा की ओर से, सर्व दादियों की ओर से और सर्व मधुबन निवासियों की ओर से, आप सभी मधुबन निवासियों का दिल से अभिनंदन और स्वागत। आप सब भी मधुबन निवासी ही हैं ना? बाबा कहते हैं तुम कहीं पे भी हो, मधुबन निवासी हो, वो तो तुम्हारा सेवा स्थान है जहाँ पे तुम बैठे हो। बाबा कहते हैं बाबा ने सेवा अर्थ भेजा है वहाँ, लेकिन घर हमारा एड्रेस मधुबन है। तो आप सभी मधुबन निवासी हैं और अब मधुबन निवासी के बाद हम सबको बनना है अव्यक्त वतनवासी। 69 से लेकर प्यारे ब्रह्मा बाबा हम सबको प्रेरित कर रहे हैं अव्यक्त वतनवासी बनने के लिए। संसार में रहते हुए भी अव्यक्त, और अव्यक्त रहते रहते अव्यक्त वतन की ओर आना और फाइनली अपने घर की ओर चलना। ये मास हम सबको पिछले वर्ष की याद दिलाता है, जबकि हम सब के जानकी की आदरणीय दादी जानकी जी भी अव्यक्त हुई और अभी हम सब के हृदय को गुलजार करने वाले, हम सबको वर्षों से प्राणेश्वर बाप दादा से मिलाने वाले, हम सब के क्या कहूँ श्वास दादी गुलजार जी भी अव्यक्त हुए। तो बाबा के साथ साथ सभी आदि रत्न, हमारी पूर्वज, हमारी दादियाँ हम सबको अब इशारा दे रही हैं समय का भी, और अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त वतनवासी बनने की। आप सभी लगातार सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से जुड़े हुए 8 वर्षों से लगातार ये सुंदर भट्टी आप लोगों की चल रही है। प्रति मास आप लोग मीटिंग करते हैं, चार्ट लिखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पुरुषार्थ की उन्नति करते हैं। साधुवाद के पात्र हैं आप सभी, और साधुवाद की पात्र ही पात्र हैं निमित्त बहनें भी, हमारी आदरणीय कुलदीप दीदी भी, जो आप सबको मोटिवेट करते हैं। आप सभी के लिए सुंदर सुंदर इनामों की भी व्यवस्था करती हैं ताकि आप सब सुंदर पुरुषार्थ में लगे रहें। लेकिन किसी चीज़ को लगातार करना, निरंतर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी अच्छा कार्य हम शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो थम सा जाता है, और पिछले 8 वर्षों से लगातार आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सुंदर भट्टी करते हैं, तो निश्चित रूप से स्थिति अव्यक्त होती चल रही होगी। निश्चित रूप से आप उन्नति की, प्राप्ति की, परमात्म सानिध्य का सुंदर अनुभव करते हुए चल रहे होंगे। और आज का ये सुंदर विषय जो रखा है, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता। हमारी दादियों की बिल्कुल ही जीवन को दर्शाने वाले गुलजार दादी को देखें, जब भी देखा उनको, आप सभी ने देखा, हम सब ने देखा, एकाग्र। बुद्धि तो छोड़ें, लेकिन नयन भी बिल्कुल स्थिर ना, मन बुद्धि जैसे बिल्कुल शांत और एकाग्र, नयन भी स्थिर और एकाग्र, कर्मेंद्रिय जीत तन स्थिर। बड़े से बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग भाषण कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन दादी अपने स्थिति में एकाग्र।
जो उनके समीप बैठे हुए होते थे वो कहते थे, दादी देखिए इनको, देखिए ये, देखिए ये, देखिए हैं। तब दादी का ध्यान उधर जाया करता था, सम्मान देते हुए अन्यथा देखते हुए भी, जैसे उपराम। तो आज के विषय को पूरी तरह से जीती थी हमारी दादी गुलजार जी। हमारी सभी दादियों के अंदर अपनी अपनी एक यूनिक विशेषता, सर्व विशेषताओं से संपन्न तो वो थी ही, लेकिन एक यूनिक विशेषता जो बहुत अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली, और इस एकाग्रता का आधार उनका वही अंतर्मुखता ना। बाहर और कुछ देखने की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, ऐसे जैसे कोई तपस्वी, कोई साधक अपने अंदर बैठा हुआ है, साधना में मग्न है, साधना का आनंद ले रहा है, तपस्या का सुख ले रहा है, परमात्म मिलन का आनंद ले रहा है, और ये बता रहा है कि परमात्म मिलन से ज़्यादा सुख और किसी चीज़ में नहीं है। बाबा के भी महावाक्य हैं, मन मना भाव हो जाना सबसे बड़ा मनोरंजन है, और इस मनोरंजन का जीता जागता स्वरूप हमने दादी में देखा ना, उसी आनंद में मग्न, उसी मनोरंजन में मग्न, तो और किसी मनोरंजन की जरूरत ही नहीं। जो अंतर का सुख पा लेता है, गीत भी सुन रहे थे ना, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है, अंतर का सुख। हमें भी अपने इन आदर्श दादियों से यही तो सीखना है कि कैसे हम अपने जीवन को ऐसा बना लें जो जीवन बोले, हमारी दृष्टि बोले, हमारा चेहरा बोले, हम कुछ ना बोले। आपने देखा दादी कभी बोलती थी दो शब्द बोलती थी, और जब भी बोलती थी बाबा की बातें बोलती थी, बाबा की बातें, जो हमने मुरलियों में बातें सुनी, जो बाबा ने मुरली चलाई उन्हीं बातों को दादी अंडरलाइन कराया करते थे, अपनी बातें नहीं, अपनी बातें नहीं, बाबा की बातें, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये, तो जब बोला बाबा की बातें बोली और फिर मौन हो गई, जैसे अपने मैं को ही समाप्त कर दिया ना, बस बाबा बाबा और बाबा। तो हमें भी अंतर जगत में जा करके यही करना है, और एकाग्रता की महिमा तो अपरंपार है। बाबा ने कहा है, एकाग्रता जहां है वहां सर्व प्राप्तियां हैं, एकाग्रता जहां है वहां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाहर के लोग भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकाग्रता को आधार बनाते हैं। बाबा ने कहा, एकाग्र होंगे तो अनेक लीलाओं को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। एकाग्रता की शक्ति औषधि का काम करती है, तन भी बीमार है तन को निरोग कर लेंगे। अनेक आत्माएं जो रोगी हैं, उन रोगी आत्माओं के रोग को भी एकाग्रता की शक्ति से दूर किया जा सकता है, भगवान वाच है। बाबा ने कहा, एकाग्रता अर्थात निर्संकल्प, निर्विकल्प स्थिति, जैसे दादी की थी। ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल एकाग्र हैं, दादी को सामने ले आए, आज के विषय के साथ बिल्कुल जैसे दादी हमारी सामने मूर्त हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको देखा, बस आज के विषय के हम स्वरूप बन गए या समझ गए कि ये विषय क्या है। निरसंकल्प। बाबा ने कहा भी कि बाबा ने दादी का रथ, इस बच्ची का रथ इसलिए चुना क्योंकि इसके पास संकल्प की शक्ति जमा है, सरल स्वभाव की है, सहनशील है, सरल है, इसीलिए कुछ सोचती नहीं ना, निरसंकल्प है। गीता में भी है कि हे अर्जुन, वो योगी संसार के लिए वरदान है जिसके मन में कम से कम संकल्प है, और जिसके मन में कम से कम संकल्प है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ही तो शक्ति को नष्ट कर रहा है, और संकल्प की यही ऊर्जा हमारी भविष्य की प्रारब्ध है,
जो संकल्प की शक्ति है वही हमारा भविष्य है। जिसके पास जितनी संकल्प की एनर्जी उसका उतना श्रेष्ठ पद, उतना श्रेष्ठ भाग्य। निर्संकल्प, कम से कम संकल्प मन में। दादी एग्जाम्पल, हम देखते चले बाबा के महावाक्य के साथ हम कितने निर्संकल्प रहते हैं। दादी के पूरे जीवन में क्या बातें नहीं आई होंगी? दादी पूरे ही दिल्ली जोन का संचालन करती थी, कितनी सारी बातें होती हैं, सेंटर्स की बातें होती हैं, भाई बहनों की बातें होती हैं, बहुत सारी विरोधी पार्टीज हैं उनकी बातें होती हैं। चलो उन सब बातों के अलावा सेवाएं हैं, इतनी सारी सेवाओं को विस्तार देना है, सभी भाई बहनों की पालना करनी है। जिनके सिर पर जिम्मेवारी है वो समझ सकते हैं इस बात को कि कितना संकल्प चलाना पड़ता है। लेकिन ये सब करते हुए भी निरसंकल्प, ये बताता है कि यदि हम निरसंकल्प हैं, कम से कम संकल्प हैं, तो वही संकल्प करेंगे जिसकी आवश्यकता है, और जो करेंगे वही होगा। अनुभव सभी शेयर कर रहे थे दादी जी के साथ का, कि जब कभी मीटिंग हुआ करती थी, बड़ी मीटिंग हुआ करती थी, और उस मीटिंग में भी छोटे ग्रुप की मीटिंग हुआ करती थी, जब कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात को फाइनलाइज किया जाना होता था, तो सभी भाई बहनें, हमारे जो वरिष्ठ हैं, सब अपनी अपनी बातें, लंबी लंबी बातें रख दिया करते थे। और जब दादी की बात आती थी कि दादी आप बोलें कि क्या करना है, दादी दो शब्द बोलते थी कि ये बात हो तो बहुत अच्छा है, और वही बात फाइनल हुआ करती थी। सेवाओं की वही बात फाइनल हुआ करती थी। विचार करें कितनी महत्वपूर्ण सी बात है। हमें सिखाती है कि एनर्जी को हम बचाएं, एकाग्र रखें, तो जहां एकाग्रता है वहां सिद्धि है, जहां एकाग्रता है वहां सफलता है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि अपने जड़ चित्रों को देखो, जड़ चित्रों के नयन कितने स्थिर हैं, उनके हाथ कितने स्थिर हैं, संकल्प कितने जैसे शांत और स्थिर हैं, और ये स्थिरता, ये एकाग्रता ही उनको वरदानी मूरत बनाने वाली है, यही उन्हें दर्शनीय मूरत बनाने वाली है। और बाबा ने कहा जब चैतन्य रूप में तुम ऐसे एकाग्र हो जाओगे तो रूहानी दुनिया में जैसे सुंदर सेवाओं का विस्तार और चमत्कार देखोगे। मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने कहा इस एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। जैसे आदि में कैसे आत्माएं भागी भागी आती थी, कैसे कशिश होती थी, लोगों को सुख शांति आनंद की अनुभूति हुआ करती थी, सकाश का अनुभव हुआ करता था, साक्षात्कार हुआ करता था, आधार था एकाग्रता। एक और विस्तार नहीं था, एक बाबा थे, और वो एकाग्रता की शक्ति ये सारी सुंदर अनुभूति करती थी। जो आदि सो अंत, यदि हम सेवाओं में विस्तार चाहते हैं, ये चमत्कार चाहते हैं, ये सुंदर लीलाएं देखना चाहते हैं, और बाबा ये कहते भी हैं कि अब लोग सुनते सुनते थक गए हैं, अब तो अनुभव करना चाहते हैं, ये अनुभूति होगी हमारी सुंदर एकाग्रता से। मैं जितना स्थिर हूं, मैं जितना सार स्वरूप हूं, उतनी सुंदर अनुभूति करा पाऊंगा, श्रेष्ठ अनुभूति करा पाऊंगा। और योग का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। और मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तब मेहनत करनी पड़ती है, चाहे सेवाओं में चाहे पुरुषार्थ में। और जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, सेवाएं भी सहज सफल, पुरुषार्थ भी सहज और सफल। इसलिए बाबा ने एक प्रश्न पूछा था कि नंबर वन में आने का आधार क्या है। हम सब नंबर वन में आना चाहते हैं। बाबा का हर एक बच्चा, और आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लगातार सुंदर भट्टियां करते हैं, चार्ट मेंटेन करते हैं, तो ये सब करने का लक्ष्य नंबर वन में आना। बाबा ने कहा नंबर वन में आना है तो केवल एक काम कर लो। एक काम, कौन सा काम? अपने बुद्धि को एकाग्र कर लो, बुद्धि को एकाग्र कर लो।
यदि बुद्धि को एक पर एकाग्र कर लेते हैं, मन बुद्धि यदि भटकना बंद कर दे, एकाग्र हो जाए, जीवन संपूर्ण परिवर्तित हो जाए, न केवल हमारा लेकिन हम जिनका चाहेंगे उनके स्वभाव को, संस्कार को परिवर्तित कर पाएंगे, उनके जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे, दूर बैठे हुए आत्माओं को सुंदर अनुभूतियां करा पाएंगे, सकाश दे पाएंगे, अशांत आत्माओं को शांत कर पाएंगे, दुखी आत्माओं के दुखों को दूर कर पाएंगे, जो रोगग्रस्त आत्माएं हैं उन सभी रोगियों के जो रोग हैं उनको दूर कर उनको निरोगी बना पाएंगे। इतनी शक्ति है इसमें, इतनी एकाग्रता है हमारे। या यहां वहां हम अपने मन बुद्धि को भटकाते रहते हैं, जो इतनी प्राप्ति कराने वाली चीज है उसका आधार, फिर बाबा ने कहा तुम्हारी एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर तो बहुत भाग लिए, सारा कल्प हम देखें, चलो सतयुग और त्रेता युग की बात रहने भी दें, द्वापर और कलयुग के बाद और अब तो सबकी दौड़ बाहर ही बाहर है, संसार की दौड़ बाहर है, जो भी है सब बाहर है, लोग मंगल में मंगल ढूंढ रहे हैं, जीवन में मंगल की बात ही नहीं है, अंदर मंगल है बाहर मंगल नहीं है, लेकिन भाग सबकी बाहर है, मेरी दौड़ कहाँ है। यदि मैं भी संसार वालों को फॉलो कर रहा हूं, मेरी दौड़ अब भी बाहर की ओर लगी हुई है, तो मैं कब एकाग्र हो पाऊंगा। इसीलिए चिंतन करना, अंतर्मुक्ता अर्थात अपनी कर्मेंद्रियां जो बाहर हो गई हैं उन्हें समेट कर अंदर लाना, जो बाहर की ओर भाग रही हैं, आंखें जो बाहर की दुनिया को देख रही हैं, देह को देख रही हैं, दुनियावी तामझाम को देख रही हैं, यदि आंखों से वही दिखाई दे रहा है, वही देख रहे हैं, सारे दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं, सारे दिन टेलीविजन पे लगे हुए हैं, सारे दिन अन्य संसार की गतिविधियां क्या क्या हो रही हैं वही देख रहे हैं, क्या एकाग्रता होगी। साधक आंखें बंद करके साधना किया करते थे, क्योंकि आंखों से हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर जाती है, और आंखों से यदि ऊर्जा नष्ट होती जा रही है, जब योग में बैठेंगे कब हम स्थिर हो पाएंगे। ईमानदारी से देखें, जब मैं योग में बैठता हूं, आधे घंटे मैं योग करता हूं, एक घंटे मैं योग में बैठता हूं, कितनी देर मैं एकाग्र हो पाता हूं, कितनी देर एकाग्र हो पाता हूं। होता यह है कि बस मैं परम धाम पहुंचा, लेकिन मैं परम धाम में कितनी देर बैठा, सूक्ष्मतन पहुंचा, बाबा के पास कितनी देर रहा, लाल लाल परम धाम के साथ साथ तुरंत ही मुझे फिर लाल लाल टमाटर, लाल लाल तरबूज दिखाई देने लगते हैं, मैं बाजार में पहुंच जाता हूं, थिएटर में पहुंच जाता हूं, अपने जॉब में पहुंच जाता हूं, घर में पहुंच जाता हूं, ये कहता हूं अरे अभी तो मैं परम धाम में बैठा था, बाबा से बातें कर रहा था, सूक्ष्मतन में था, मैं कहां पहुंच गया। योगी अर्थात जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे एकाग्र कर सके अपने आप को। ये हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, ये हमारी योग की स्थिति है जो हमारे पास होनी चाहिए। ये स्थिति कहां तक है। अब यदि आंखों से मैं बाहर ही भाग रहा हूं, आज को देख लें, अपने एक हफ्ते को देख लें, क्या क्या देख रहा हूं, क्या क्या देख रहा हूं, जो देखेंगे वो अंदर चलेगा, जैसा दर्शन वैसा चिंतन। अब मैंने किसी को टेलीविजन में डांस करते हुए देखा, मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे डांस के दृश्य देख लिए, बहुत अच्छी अच्छी और चीजें देख ली, भले वो अच्छी हैं दुनियावी दृष्टि से, अब डांस तो अच्छा नहीं है, लेकिन कई नेचुरल चीजें, नेचर की चीजें भी हम देखते हैं जो मन को शांत स्थिर करने में मदद करे, कोई हर्जा नहीं, लेकिन जो मन बुद्धि को भटकाए। अब मैं डांस वहां देख रहा हूं, तो जब योग में बैठूंगा तो मेरे यहां भी तो डांस चलेगा ही ना, क्या देख रहा हूं,
बाबा ने कहा है भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं, भगवान हूँ आज, भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं आत्मा देखने के लिए। और आत्मा नहीं दिखाई देती है, फरिश्ता देखो, पूरे सृष्टि चक्र को देखो, कैसे सुंदर पार्ट प्ले हुआ है। मैंने भी और सबने कैसे सुंदर पार्ट प्ले किया। ड्रामा देखने की आदत है, फिल्म देखने की आदत है, इस बेहद के ड्रामा को देखो ना। आंखें मिली हैं तुम्हें ये देखने के लिए। यदि देह को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे तो भटक जाएंगे, मन बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएंगे। फिर हमारी ये कंप्लेन बनी ही रहेगी कि मेरा योग नहीं लगता है, क्यों नहीं लग रहा है, आप देख क्या रहे हो, वो तो चेक करो ना। इसीलिए अपने दर्शन को हमें संयमित करना है, अंतर्मुखता अर्थात संयम की ओर बढ़ना। वैसे हम सुन क्या रहे हैं, सुनते भी तो है ना हम सारे दिन, क्या सुन रहे हैं, व्यर्थ बातें सुन रहे हैं, दुनियावी और फिल्मी गाने या फिर डायलॉग्स, अन्य चीजें सुन रहे हैं, पूरे दुनिया भर का समाचार क्या हो रहा है वो सुन रहे हैं। बाबा भी रेडियो सुनते थे लेकिन समाचार सुनते थे, और वो भी इसलिए सुनते थे कि हमें अपने पुरुषार्थ को और कितना तीव्र करना है। यदि संसार में कोई हलचल नहीं है तो बाबा कहते थे कि तुम्हारा पुरुषार्थ जो है अभी ढीला है, मंदा है। और जब संसार में हाँ परिवर्तन के समाचार आते थे तब कहते थे बाबा हाँ अभी पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। इसलिए समाचार सुनते थे, 5 मिनट में सारा संसार का समाचार जो आवश्यक है वो आप सुन सकते हो। और आजकल के न्यूज़ चैनल तो आप जानते हैं, एक छोटी सी बात होती है, राई को पहाड़ बनाने वाली बात होती है, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, इन सब की मुझे आवश्यकता है क्या, लक्ष्य क्या है मेरा। यदि ध्येय मेरा मनुष्य से देवता बनना है, ध्येय मेरा बाप समान बनना है, ध्येय मेरा अव्यक्त वतनवासी बनना है, अव्यक्त बनना है तो व्यक्त से तो मुझे किनारा करना होगा ना। कहता कुछ और हूं और कर कुछ और रहा हूं तो मेरी कथनी करने में अंतर आ गया ना। बाबा का एक सुंदर महावाक्य अपने पास हमेशा नोट करके रखें, बहुत गहन है। मैं बाबा की ही बातें आप सबको रिवाइज करा रहा हूं। और ये भी कहा कि आज का विषय हमारी प्यारी दादी को समर्पित है, दादी गुलजार जी को अपने सामने रखें, बस ये जीवन वैसा बनता चलेगा जो हमारा विषय है। तो बाबा का महावाक्य, तुम्हारा देखना और तुम्हारा सुनना ये दोनों आधार हैं तुम्हें या तो संपूर्णता की ओर ले चलने के या तुम्हें तुम्हारी संपूर्णता से दूर ले जाने के। तुम्हारा देखना और तुम्हारा सुनना ये दोनों आधार है। संपूर्णता के तुम समीप जाओगे या संपूर्णता से दूर, सोचिए इन दोनों चीजों पर मेरा कितना नियंत्रण है। सारे दिन यदि तन में है, हमें देखना भी है सुनना भी है, लेकिन क्या देखना है और क्या सुनना है, यहां संयम की जरूरत है, यहां नियंत्रण की जरूरत है, और यहां अपने माता पिता को फॉलो करने की जरूरत है, दादियों को फॉलो करने की जरूरत है। रमेश भाई जी एक बार अपना अनुभव शेयर करते हैं कि मम्मा को लेकर के वो कहीं जस्ट घुमाने के लिए लेके जाया करते थे कभी सागर के तट पे, जब मम्मा बॉम्बे में थी तो कार में मम्मा बैठी थी, वो कहीं से आ रहे थे, लास्ट में जब पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे तो रमेश भाई जी ने कहा मम्मा आपने देखा कितनी बड़ी सुंदर होर्डिंग लगी हुई थी, बड़ी सी होर्डिंग थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बाबा कहते हैं ना कि बड़े बड़े चित्र बनाओ, मम्मा हम भी वैसा करें क्या, आपने देखी ना वो होर्डिंग। तो मम्मा मुस्कुराई, मम्मा ने कहा कि मम्मा ये सारी चीजें नहीं देखते, मम्मा या तो ऊपर रहती हैं और जब यहां देखती भी हैं तो सबको आत्मा के रूप में देखती हैं। इस कलयुगी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में देखने और सुनने के लिए क्या है। मनोहर दादी जी भी दुबई गई हुई थी, और दुबई आप जानते हैं कि वहाँ सोने के बड़े लंबे चौड़े मार्केट हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जियों के मार्केट होते हैं वहाँ सोने के लंबे चौड़े मार्केट,
हजारों हजारों टन सोने और उसके जेवरात वहां पे ऐसे ही दुकान लगी हुई होती हैं सब्जियों की तरह। तो वहाँ की जो निमित्त टीचर थी उन्होंने कहा कि दादी चलिए आपको सोने की जो बहुत सुंदर सी ये दुकानें हैं वो दिखा के लाते हैं, कितना सोना था, सोना यहाँ इतना सोना है, तो फिर सतयुग में क्या होगा। तो दादी ने कहा ये देख के दादी क्या करेगी, ये जितना सोना यहाँ है ना वहाँ सतयुग में मेरे एक कमरे में मेरे एक कमरे में ही होगा इतना सोना यहाँ का। हाँ, ये सोना देख के क्या करना है। इतने डिटैच्ड, इतने अनासक्त, यहां कुछ भी देखने और सुनने की इच्छा नहीं, गए निमित्त सेवा अर्थ। इसका अर्थ ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कारोबार में ना रहें, आपको ये सब करना भी पड़ता है, लेकिन आवश्यकता और इच्छा दोनों में अंतर है। जहां सेवा अर्थ आवश्यक है वहां हम जरूर अपने मोबाइल को भी देखें, अन्य चीजों को भी देखें या सुने, सेवा और स्व उन्नति अर्थ। इसके अलावा यदि वो मुझे भटका रहे हैं फुल स्टॉप। इतनी ज्यादा संयम और नियंत्रण मेरे अंदर होनी चाहिए। साथ ही वाचा, बाबा हमेशा कहते आए हैं, हमारे लिए श्रीमत है, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी बोलो रत्न निकलें। हम मुख से क्या निकालते हैं? मुख कहीं बहिर्मुखी तो नहीं है, संसार समाचार की ही बातें तो नहीं होती रहती हैं। देखें, दादी कहा करते थे ना, थिंक बिफोर यू थिंक। वैसे ही हर चीज के लिए देखने से पहले सोच लें कि क्या देखने जा रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है। सुनने से पहले सोच लिया जाए कि क्या ये सुनने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा रुक रुक रुक, सुनाने से पहले मुझे ये बता, तू जो सुनाने जा रहा है क्या वो मेरे काम की है? बोले नहीं, ये आपके काम की नहीं है। क्या इसे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या मुझसे जुड़ी हुई ये बात है? बोले नहीं, आपसे जुड़ी हुई बात भी नहीं। अच्छा, क्या इस समाचार की जो सत्यता है 100% तुम श्योर हो कि ये 100% ऐसी ही है? बोले नहीं, इसमें भी मुझे श्योरिटी नहीं। तो बोले जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, जो मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, और जिस बात की सियोरिटी तुम्हें भी नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो बात सुना करके तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? फिल्टर, देखने सुनने बोलने से पहले क्या हम ये फिल्टर यूज कर सकते हैं? क्या हम इसे अपनी आदत में ला सकते हैं? इसकी बजाय कि ये सब कर्मेंद्रियां जो अब तक बाहर थी व्यर्थ में, अब ये अंदर की ओर चलें। सुनो, कान में मेरे अनहद नाद चलता रहे, भगवान ने मुझे क्या सुनाया आज। अब चेक कर लें आज की मुरली कितनी मुझे याद है, मेरे कान में क्या गूंजते रहे। किसी व्यक्ति ने दो शब्द उल्टे कह दिए, वही मेरे कान में गूंज रहे हैं। कल कुछ कह दिया, एक हफ्ते पहले कुछ कह दिया, वही मेरे कान में चल रहे हैं। बाहर क्या चल रहा है वो मेरे कान में, भगवान ने क्या कहा वो कितने मेरे कानों में गूंज रहे। कान कैसे पवित्र होंगे जब भगवान की बातें कानों में गूंजती रहेंगी। कानों को अंतर्मुखी करना अर्थात भगवान की बातें मेरे कानों में गूंजती रही, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, जैसे दादियां दादियां जब भी बोला बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये सिखाया, बाबा बाबा और बाबा। क्यों? क्योंकि कानों में वही गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि वही देखा। तो जो देखा है, जो सुना है, वही मुख के द्वारा भी। कर्म भी कहीं बाहरी संसारिक तो नहीं है, जहां जरूरत नहीं है वहीं वहां हम जा रहे हैं, जहां सेवा है वहां, अन्यथा नहीं। ये समय बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। मैं कैसे अपने संगम युग के समय को यूज कर रहा हूं? भगवान अपने सारे भंडारे खोल करके लुटा रहे हैं, मैं कितना लूट रहा हूं, कितना इस समय का सदुपयोग कर रहा हूं। देखिए,
साथ ही ये स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ मेरी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मेरा मन, मन कितना मौन रहता है। चलो मोबाइल को मैंने संयमित कर लिया, जब भी मोबाइल यूज करो एक कार्य करना जरूर शुरू करो, जब भी मोबाइल उठाया ऑन किया पहले उसको प्योर वाइब्रेशंस दे दो, कि मेरे सेवा का साथी है, सेवा अर्थ, स्व उन्नति अर्थ मेरे साथ है। सेवा की, स्व उन्नति के अपने पॉइंट्स, चाहे हमने मुरली ले ली, क्लास डाउनलोड कर लिया, उसके बाद फिर से उसको प्योर वाइब्रेशन दे के स्विच ऑफ, साइलेंट मोड, मोबाइल का मौन। व्यर्थ से मुक्त होना है तो ये सबसे बड़ी माया आज हमारे लिए मोबाइल ही बन गई है। भले सेवा का भी साधन है लेकिन हम कैसे यूज कर रहे हैं बहुत डिपेंड करता है, ये मुझे बाहर ले जा रहा है या अंदर ले जा रहा है। हमें अंदर जाना है, हमें अंतर्मुखी होना है, हमें अव्यक्त होना है, व्यक्त नहीं। तो मोबाइल का मौन, मुख का मौन जितनी आवश्यकता है उतना, लेकिन उसके साथ मन का मौन, मन भी अंतर्मुखी हो जाए। मुख को तो मैंने मौन कर लिया, मोबाइल को भी मैंने साइलेंट कर दिया, लेकिन मेरा मन तो शोर नहीं मचा रहा है। मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो वो है। ये साधन बन जाएंगे चलो कि अब मैं इनपुट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अंदर जब मैं बैठा हूं मेरे मन में क्या चल रहा है, व्यर्थ तो नहीं, नेगेटिव तो नहीं। इसीलिए बाबा ने बहुत वर्ष पहले, आप सबको याद होगा, एक सुंदर सी लाइन कही थी बाबा के महावाक्य, जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा। तो आप सब लेने वाले हैं ना परमात्मा अवार्ड, लेना है ना। हमारे अंदर एक उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि बाबा ने जो कहा है ना मुझे करके दिखाना, कोई करे या ना करे मुझे करना है। दो दिन पहले की मुरली आपको याद होगी, बाबा उसमें कह रहे थे कि बच्चे तुम्हें मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए, याद होगा आप सभी को, राइट। बाबा कह रहे थे कि इतनी अच्छी मैगजीन निकलती है, मैगजीन कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं। तो निर्मला दीदी मुरली सुना रहे थे, तो उन्होंने दादी जानकी जी के साथ का अनुभव शेयर किया कि जब ये मुरली पहली बार आई तब दादी जानकी जी ने मैगजीन पढ़नी शुरू की, और पूरी मैगजीन दादी पढ़ती थी। और मैंने खुद देखा जो आर्टिकल्स लिखे होते थे, कभी भाई साहब के होते थे सूर्य भाई जी के, कभी अन्य हमारे मधुबन निवासियों के आर्टिकल होते थे, तो दादी जब मिलती थी ना तो कहती थी मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जो लिखने वाले होते थे उन्हें भी लगता था दादी इतनी बड़ी इतनी सेवाओं में व्यस्त रहती हैं, फिर भी बाबा ने कहा, बाबा की आज्ञा है, कहा और किया। देखिए मतलब आज मैं दादियों को ही आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ, हमारे सम्मुख हैं वो, आदर्श हैं। बाबा ने कहा किया, मम्मा के लिए भी हम जानते हैं बाबा ने कहा बस वो लकीर है, महाकाल ने कहा, धर्मराज ने कहा, उन्होंने कहा तो फिर ना कहने का तो प्रश्न ही नहीं है, उस पर कुछ और सोचने का तो प्रश्न ही नहीं है। बाबा ने कहा व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो तुम्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा, मेरे अंदर उमंग, मैं इस पर नियंत्रण जरूर करूंगा, अपने मन को समर्थ की ओर ले चलूं। और ये तब होगा जब हम अपने मन बुद्धि के लिए कुछ सुंदर प्लानिंग करके रखेंगे। बुद्धि को भी हमें डिवाइन करना है, जितना ज्ञान सुंदर सुनेंगे उसमें विवेक भरता चला जाएगा, हमारे संस्कार भी पुराने यूज होते रहेंगे यदि हम सुंदर योग का अभ्यास करते हुए अपनी सुंदर स्मृतियों के द्वारा अपने डिवाइन संस्कार को जागृत नहीं करेंगे। आधार होता है मन, बचपन से हम सुनते आए हैं, कहते आए हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो अंतर्मुखी होकर के हमें क्या करना है, यही तो करना है, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, कौन हूं मैं, आत्मा जो सातों गुणों की स्वरूप है, जब वही सातों गुण संपूर्ण रूप में निखर के आएंगे हम
देवत्व को प्राप्त कर लेंगे, और वही हमारा अभ्यास है, वही हमारा पुरुषार्थ है। कितना मैं अपने आत्मा का दर्शन करता हूं। बाबा ने कहा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना ही अंतर्मुखता है। तो अंदर जाएंगे आत्मस्वरूप में, और जैसे अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, आप देखें संकल्प कितने शुद्ध होने लगते हैं, श्रेष्ठ होने लगते हैं। जब बाहर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं, तो फिर मन में व्यर्थ और नेगेटिव चलना शुरू होता है। इसीलिए हम अपनी आत्मिक स्थिति में आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन मैं कितना करता हूं, आत्मिक स्थिति में कितना स्थित रहता हूं। ब्रह्मा बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की ना, शुरुआत से प्रैक्टिस की, कूट कूट के पक्का किया मैं भी आत्मा हूं, यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, कूट कूट के बाबा ने पक्का किया। और बाबा चित्र बनाया करते थे, मुरलियों में दीवारों पे चित्र बनाते थे बाबा, और चित्र बना के आंख नाक कान बनाते थे और पॉइंट लगा देते थे कि मैं ये आंख नहीं हूं, कान नहीं हूं, मुख नहीं हूं, ये आत्मा हूं। डायरी में भी चित्र बनाते थे। आत्मा का कितना पाठ बाबा ने पक्का किया। हम अंतर्मुखी होकर कितना ही अभ्यास करते हैं, कितना आत्मा का चिंतन होता है, कितना आत्मा के गुणों की गहराई में हम उतरते हैं, आत्मा के गुणों का अनुभव कितना है। जितने आत्माभिमानी होंगे, अंतर्मुखी होके हम शांति के, सुख के, पवित्रता के, शक्ति के खान बनते जाएंगे, मास्टर सागर बनते जाएंगे। और इसी की तो जरूरत है ना, इसी की सारे संसार को जरूरत है, इसी की मुझे जरूरत है। आत्मा संतुष्ट तभी होगी जब अपने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन में रहेगी। बाहर सांसारिक चीजों से यदि हमें संतुष्टि मिल गई होती तो संसार कलयुग नहीं बना होता। संसार को सतयुग यदि फिर से बनाना है, अपने जीवन को सतयुग फिर से बनाना है, मुझे अंतर्मुखी होना होगा, आत्मदर्शन करना होगा। कितना आत्मचिंतन करता हूं, कितना आत्मदर्शन करता हूं, कितना आत्मनिरीक्षण करता हूं। आत्मनिरीक्षण, क्या भरा हुआ है मेरे अंदर, कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी बातें मुझे ही तो दूर करनी है ना, यही तो मेरा पुरुषार्थ है। यदि मैं उसे चला रहा हूं, ठीक है ना, आज कर लिया, नहीं किया, ठीक है ना, ये आलस्य वाली बात तो सब में है, अलबेलेपन वाली बात तो थोड़ी सी चलती है ना, चलता है ना, अभी कौन बना है संपूर्ण, थोड़ी सी ईर्ष्या तो ठीक है कभी कभी आ जाती है, थोड़ा सा दैहिक दर्शन ही तो हो जाता है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। यदि ये चलाते रहेंगे तो बाबा ने कहा है अंत में चिल्लाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, चलाएं नहीं। हमें तो संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है ना, इसीलिए अंतर्मुखी होकर के आत्मचिंतन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, और साथ ही आत्मा को उमंग उत्साह से भरेंगे, आत्मोत्प्रेरण कह लें से, क्योंकि आत्मा कई बार ढीली भी तो हो जाती है ना, ढीली मतलब कई बार निराशा के संकल्प, ये संकल्प आते हैं, और आत्मा लाभ करते हुए, अपने आप से बातें करते हुए हमें अपने आप को उमंग उत्साह मिलाना है कि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम कल्प कल्प के विजयी हो, तुम्हें ही करना है, तुम श्रेष्ठ योगी हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो, तुम कर सकते हो, अपना पीठ खुद ही थपथपाना है, अपने आप को उत्साह मिलाना है। ऐसे संकल्प क्रिएट करें जो मुझे अंतर्मुखी करें, ऐसे संकल्प क्रिएट करें जो मेरे अंदर खुशी लाएं, ऐसे संकल्प क्रिएट करें जो मेरे उमंग उत्साह को बढ़ा दें, ऐसे संकल्प क्रिएट करें जो मेरे अंदर वैराग्य की भावना पैदा करें, जो बाबा के प्यार में मुझे डुबा दें, ऐसे संकल्प जो उत्साह में आपको ले जाने वाले हों। अंतर्मुखी होकर हमें ये करना है, साथ ही अंतर्मुखी होकर के हमें भगवान के साथ का सुंदर अनुभव करना है ना, ना केवल आत्मदर्शन आत्मचिंतन, लेकिन परमात्म दर्शन और परमात्म चिंतन ये तभी होगा जब अंतर्मुखी होंगे।
अंदर जाएंगे तभी तो उससे मुलाकात होगी। हम लोग पहले दिन दूसरे दिन या राजयोग के कोर्स में बताते हैं कि जब तक ये चमड़ी लेयर नहीं हटाई नहीं है, हाँ, जब तक कि वायर के ऊपर से तार नहीं हटाया है तब तक कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। हम सबको बताते हैं, मंदिरों का एग्जाम्पल देते हैं कि मंदिर के बाहर अपने जूते चप्पल चमड़े के उतार के फिर हम अंदर जाते हैं, सबको हम एग्जाम्पल देते हैं। अब मैं ही उसके साथ तार जोड़ना चाहता हूं तो अंदर तो जाना होगा। बाबा के साथ मैं कितना रहता हूं, उनके साथ का कितना अनुभव करता हूं, अंतर्मुखी होंगे तो ही बाबा के साथ का सुंदर अनुभव होगा। बाहर एंगेज ना करें अपने कर्मेंद्रियों के साथ अपने आप को, अंदर से तार जुड़ा हुआ हो, जिसको बाबा कहते हैं हाथ काटे दिल कर तार डे। बाहर कर्म होता रहे लेकिन अंदर उसकी धुन विचार करें, केवल संगम के इस थोड़े से समय में ही तो बाबा हमारे साथ है ना। साकार पाठ भी पूरा हुआ, व्यक्त पाठ भी पूरा हुआ, लेकिन उन आत्माओं को जो अंतर्मुखी हैं अभी भी बाबा के साथ का सुंदर अनुभव है, उन्हें वो महसूसता नहीं है, उन्हें ये फीलिंग नहीं है जैसे सब कई लोग कहने लगते हैं कि अरे अब तो बाबा नहीं आएंगे। नहीं, बाबा हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। जैसे इस सीजन की मुरली में बाबा ने कहा, एक प्रश्न पूछा था कि यदि कोई तुमसे पूछे कि भगवान कहाँ है तो क्या जवाब दो, मेरे साथ है, मेरे दिल में है। और ये अनुभूति उनकी है जो अंतर्मुखी रहते हैं, मैं बाबा के साथ कितना रहता हूं। यही तो समय है ना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही समय है उसे अनुभव करने की, उसे सर्व प्राप्ति करने की। भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, लेने वाले फ्री हैं, लेने वाले उसके साथ हैं। साथ रहेंगे तो समान बनेंगे, वायदा है हमारा। तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलों, तुझ संग बैठों, तुझ संग हर कर्म करूं, तुझे ही देखूं, तुझसे ही सुनूं, ये वायदा हम निभा रहे हैं। ये वायदा निभाना है तो अंदर रहना होगा। वो यहां भी मेरे साथ आकर बैठ गए हैं, यहां सूक्ष्म में भी मेरे साथ है, तो कभी वो यहां मेरे साथ हैं और कभी मैं उनके पास हूं। यहां अपना कर्म किया, ऊपर चले गए। प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं, अपना कार्य पूरा किया तुरंत ही अपने प्रेमिका के पास, प्रेमी एक दूसरे के साथ, जिनके समान मुझे बनना है, जिनसे मुझे सर्व प्राप्ति करनी है, मुझे उनके साथ रहना है। ऊपर मैं कितना समय रहता हूं बाबा के पास, परम धाम में कितना रहता हूं, सूक्ष्मतन में कितना रहता हूं, रहना शुरू करें। मैं एक बात हमेशा कहता हूं अपने सब भाई बहनों को कि देखो, सारे कल्प तो हमें इसी संसार में रहना, इसी साकार सृष्टि में रहना, इसी साकार सृष्टि में, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, हम इसी साकार सृष्टि में ही रहेंगे। केवल संगम युग हमें मिलता है ऊपर के दोनों लोकों का अनुभव करने के लिए, कि परम धाम क्या है, वहां की अनुभूति क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, वहां की अनुभूतियां क्या हैं, जहां बाबा बैठे हुए हैं। संगम युग है और संगम युग के बचे हुए थोड़े से दिन हैं, क्यों ना अब हम ऊपर रहना शुरू कर दें। लेकिन ऊपर तभी पहुंचेंगे जब अंदर जाएंगे। ऊपर की जो फ्लाइट है वो अंदर से उड़ती है, बाहर से नहीं। इसलिए जितना अंदर जाएंगे, एक बार बहुत अच्छा सा कोटेशन कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। भीतर भी और तर, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो भीतर जाना अर्थात अंतर्मुखी हो जाना ना, उसके साथ रहें। सारे कल्प हमें सब कुछ प्राप्त होगा, बाबा प्राप्त नहीं होंगे। धन दौलत ऐश्वर्य सारे संसार, जमीन आसमान सागर सब हमारा होगा, लेकिन बाबा नहीं होंगे।
तो जो नहीं होगा सारे कल, क्यों ना मैं उनके अंग संग रहूं, देख लूं कि वो क्या है। बाबा कई बार जब कहते हैं तो मुझे एक चैलेंज लगता है ये, और इसे एक चैलेंज के रूप में लें। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही जानते हैं, मेरे बच्चों में भी विरले ही जानते हैं। मैं बाबा का बना, बाबा का बच्चा बना, क्या अब तक मैंने अपने पिता को नहीं जाना है कि वो क्या है, कैसे हैं, कैसी कार्य करते हैं? यदि मैं ये ना समझ पाया अभी तो क्या कभी और समझ पाऊंगा? मेरे पिता को अब मेरी जरूरत है संसार के उद्धार और कल्याण के लिए, मैं उनके समान बन जाऊं। तो आप भी ये बाबा को कहते हैं? कभी बाबा को ये कहा कि बाबा आप बैठे हैं, हम तो चिंता नहीं करते हैं, लेकिन आप भी चिंता मत करो, मैं भी यहां बैठा हुआ हूं, आपके जो भी कार्य हैं वो सारे कार्य मैं करूंगा। ऐसा सुंदर ऑफर क्या बाबा को दिया है। अब अपने आप को अर्पित करें ताकि हमारा ये जीवन बाबा के कार्य आ जाए, और यही तो हमारे जीवन की सफलता है ना। तो अंतर्मुखी होकर हमें परमात्मा के साथ का सुंदर अनुभव, उनके अंग संग का सुंदर अनुभव बढ़ाते चलना है। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, इससे बड़ी प्राप्ति और कुछ नहीं। संसार में कहते हैं परमात्मा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमें परमात्मा भी मिल गया, सर्व संबंधी के रूप में मिल गया, और अपना सब कुछ हम ही प्रदान कर रहे हैं। देख लें, मेरे पिता ज्ञान के सागर हैं, मैं उनके समान ज्ञान सागर कितना बन पाया हूँ, उस ज्ञान सागर को कितना हब कर पाया हूँ। वो शांति के सागर हैं, मैं कितना मास्टर शांति का सागर बन पाया हूँ। वो सुख और आनंद के सागर हैं, मेरे अंदर सुख और आनंद कितना समाया है, चेक करें। जितना साथ रहेंगे उनके समान ही मास्टर सागर बनते जाएंगे। साथ ही अंतर्मुखी होकर के हमें सृष्टि का दर्शन करना है, सारे कल्प में मेरा क्या रोल रहा है, जिसे आप पांच स्वरूपों की सुंदर प्रैक्टिस कह सकते हैं। सारे कल्प में मेरा रोल कितना श्रेष्ठ और महान रहा है। जब ये सृष्टि का दर्शन करते हैं, आत्मा उड़ती रहती है, खुशी से भरपूर रहती है, आनंद से भरपूर रहती है, अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाती है। तो क्या एक्शन प्लान बनाएंगे अपने लिए? दादी गुलजार जी हमेशा कहा करते थे, यदि कोई कहता था कि दादी आप मौन के लिए कहते हैं, हम साधना करें तो मौन हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो दादी बहुत सुंदर सी एक युक्ति दिया करते थे कि सुबह अमृत वेले से लेके 8 बजे तक तो कोई कार्य नहीं होता है ना, तो सुबह 4 से 8 बजे तक रोज तो मौन रहा जा सकता है। तो हम ये सुबह का वक्त अपने लिए, अपनी साधना के लिए, इसको हम मौन के लिए, अपने आत्मचिंतन आत्म उन्नति के लिए रखें, और कोई कार्य नहीं। ये समय जो है मेरी अपनी उन्नति के लिए है, अपने मनन चिंतन के लिए है, अपनी नींव को मजबूत बनाने के लिए। भोजन का समय है, हम भोजन मौन में कर सकते हैं ना, उस समय को अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके अच्छी साधना के लिए लगा सकते हैं। हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस समय अपने अंदर जा सकते हैं ना, बाहर देखने की बजाय उस समय अंदर देखा जा सकता है। हम वॉशरूम में हैं, फ्रेश हो रहे हैं, अपने अंदर जा करके अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हैं। हफ्ते में एक बार अपने लिए मौन का रखा जा सकता है, जो छुट्टी का दिन है हमारी सुंदर साधना का हो। साथ ही एक्शन प्लान में एक चीज़ और प्लस ज़रूर करें, जैसे ब्रह्मा बाबा रोज़ अपना दरबार लगाया करते थे, मुझे भी रोज़ अपना दरबार लगाना, केवल सोते समय नहीं, दिन में कई बार ये दरबार लगाया जा सकता है। और देखें कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल कहाँ जा रही हैं, बहिर्मुखी हैं या अंतर्मुखी हैं, बाहर जा रही हैं, तो उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, और उन सबको बात करके समझाएं कि बाहर भटकने से कोई लाभ नहीं है। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सर्व प्राप्तियां अंदर हैं। जब आप बैठेंगे अपनी कर्मेंद्रियों के साथ, उन्हें प्यार से समझाएंगे, निश्चित रूप से वो अंतर्मुखी होती चलेंगी, और जैसे जैसे हमारी कर्मेंद्रियां अंतर्मुखी होती चली जाएंगी, हम अंतर्मुखी होते चले जाएंगे, मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र होते जाएंगे,
और जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हम सर्व सिद्धि स्वरूप होते चले जाएंगे, नंबर वन में आ जाएंगे और संसार में हम सब मिलके प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो मेरे दिल की ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं आप सभी भाई बहनों को कि आप सब अब अंतर की यात्रा करें, अंतर्मुखी हो जाएं, इतने सुंदर एकाग्र हो जाएं कि जब चाहें जहां चाहें अपने आप को स्थिर कर सकें और इस एकाग्रता के द्वारा सर्व सिद्धि स्वरूप बन करके प्यारे बाबा को सारे संसार में प्रत्यक्ष करें। चलिए अभी सुंदर एकाग्रता की हम थोड़ी देर अंतर्मुखी होकर प्रैक्टिस करेंगे। चले अंतर की ओर, और जैसे कहा कि एकाग्रता अर्थात जब चाहें जहां चाहें जिस स्वरूप में चाहें स्थित हो जाएं, तो हम भी अब जो संकल्प मिले उसमें तुरंत ही स्थित होने का अभ्यास करेंगे। चले स्थित हो जाएं अपने आत्मस्वरूप में, भ्रिकुटी तक पर, चमकती हुई मणि के रूप में, आत्मदर्शन कर रही हूं मैं आत्मा, मेरा स्वरूप कितना सुंदर है, मुझसे दिव्य प्रकाश चहुं ओर फैल रहा है, चलें अब स्थित हो जाएं अपने अनादि स्वरूप में, परम धाम में, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में, आदि स्वरूप स्वर्ग में अपने संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न स्वरूप पर स्थित एकाग्र,
मध्य स्वर हो, पूज्य स्वर हो। देखें अपने आप को इष्ट देव देवी के रूप में, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए। मैं इष्ट देव इष्ट देवी, ब्राह्मण स्वर हो। देखें बाप दादा के सम्मुख अपने आप को डायमंड हॉल में। बाबा की दृष्टि से निहाल होते हुए फरिश्ता स्वर हो। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप में बाबा के पास मैं फरिश्ता, बाबा की दृष्टि से निहाल होता हुआ और बाबा के साथ ही सारे विश्व ग्लोब को अपनी नजर से निहाल करता हुआ, सकाश देता हुआ। ओम